चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और पाइए सारी नोटिफिकेशंस। आसिम रियाज, जैकलिन फर्नांडिस और बारिश सॉन्ग यानी कि पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा, इन दोनों का जब सॉन्ग रिलीज़ हुआ था तो लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट थी किसका सॉन्ग सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेगा। अब न्यू सॉन्ग आने वाला है काला सोना नहीं। इस सॉन्ग के साथ फैंस जो कंपटीशन देख रहे हैं वो हैं शहनाज और सिद्धार्थ का सॉन्ग जो कि अपकमिंग सॉन्ग होगा। चलिए इन दोनों सॉन्ग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे जब भी हम सिद्धार्थ और आसिम की बात करते हैं तो लोगों में एक जोश भर जाता है। सिद्धार्थ और शहनाज का जो सॉन्ग आने वाला है उसमें अपनी आवाज़ देंगे दर्शन रावल। ये सॉन्ग एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है। इस सॉन्ग के शूटिंग जोरों शोरों से चली हुई है, काफ़ी फ़ोटोज़ पोस्टर भी रिलीज़ हुए हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑन शूट ये फ़ोटो वायरल हुई है सेट से, ये भी सेट से फ़ोटो वायरल हुई है और काफ़ी सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो कि सिद्धार्थ के फैंस को काफ़ी पसंद आएगी। ये भी आपको दिख रहे होंगे सिद्धार्थ शुक्ला, इसी तरह से काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वायरल हुई है। यहाँ पे आपको फर्स्ट लुक देखने को मिला था शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का। अब जो बड़ा कंपटीशन है वो है काला सोना नहीं यानी कि आसिम रियाज और हिमांशु खुराना के न्यू सॉन्ग के बारे के साथ। ये सॉन्ग भी प्रॉपर रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है, एक पंजाबी सॉन्ग होने वाला है जिसे राजस्थान में शूट किया गया है। इस सॉन्ग के भी जब ये शूट हो रहा था तो हमने काफ़ी फ़ोटोज़ हमें देखने को मिली, वीडियोज़ देखने को मिली। एक सॉन्ग यानी कि सिद्धार्थ के सॉन्ग में आवाज़ देने वाले हैं दर्शन रावल जो कि काफ़ी अच्छे सिंगर है, काफ़ी फेमस सिंगर है। वहीं दूसरी तरफ आसिम और हिमांशु के सॉन्ग के बारे में बात करो तो इसमें अपनी आवाज़ देने वाली है नेहा कक्कड़, जिसमें पहले ही मेरे अंगने में आसिम रियाज का जो सॉन्ग था आसिम और जैकलिन का, उसमें भी नेहा कक्कड़ की ही आवाज़ थी। तो इन दोनों सॉन्ग्स के बीच अब काफ़ी टफ कंपटीशन लोग समझ रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थ का सॉन्ग कब रिलीज़ होगा वो अभी शायद फाइनल नहीं है, लेकिन काला सोना नहीं आसिम रियाज और हिमांशु खुराना का जो सॉन्ग है वो देसी म्यूज़िक फैक्ट्री में रिलीज़ होना है, वो भी 19 मार्च को। तो अब आपको क्या लगता है कि अब जब मेरे अंगने में इतना बड़ा हिट रहा है आसिम का सॉन्ग जिसमें ऑलरेडी 33+ मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, तो काला सोना है क्या रिकॉर्ड बनाएगा? क्या ये सॉन्ग फर्स्ट 24 आवर्स में 20 मिलियन क्रॉस कर पाएगा? और सिद्धार्थ का भी सॉन्ग आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों सॉन्ग में से कौन बड़ा हिट रहेगा और आप कौन से सॉन्ग के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।